संभल एक्सक्लूसिव। जनपद संभल में दो पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। तमिलनाडु की जमात रुकी थी, यहां 11 लोग थे शामिल। इन दोनों ने की थी जमात की खिदमत, जमात के साथ ही भर्ती किया गया इनको। जनपद संभल में लॉकडाउन के 20वें दिन फूटा कोरोना का कहर। दो पॉजिटिव केस आने से मचा प्रशासन में हड़कंप। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जनपद में अब तक कोरोना संक्रमित मरीज कोई नहीं था। मुरादाबाद से भेजे गए सैंपल में संभल के दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव जानकर पुलिस ने इलाके को सील करने की कार्यवाही शुरू की। एएसपी और सीओ रात में ही इलाके को चिन्हित करने के लिए पहुंचे। पॉजिटिव आने वाले लोगों के संपर्क में रहे लोगों को लेने के लिए डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस लेकर पहुंची। उनको भी किया जाएगा क्वारंटीन। हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन के बूढ़ा मोहल्ले का मामला है। सर, जिस तरह से पॉजिटिव निकले हैं, कितने लोग थे और क्या इनकी हिस्ट्री थी? 11 लोग जो है आइसोलेट किए गए हैं सरकारी अस्पताल में, और जिसमें से लगभग 3 या 4 लोगों की सैंपलिंग हो भी चुकी है। एक जो इसमें थे नूह मोहम्मद नाम के, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें जो है जिला अस्पताल लेके गए थे हम लोग। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मुरादाबाद रेफ़र किया और वहाँ जाके अभी पता लगा है कि उनका सैंपल जो है पॉजिटिव आया है। कितनी पॉजिटिव है सर जी? कितने लोग हैं पॉजिटिव में? एक उनका उनके साथ में एम्बुलेंस में लड़का बैठ के गया था, उसका भी सुन रहे हैं कि ऐसा पॉजिटिव आया है।